सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैंने आज ब्लॉग घर से ना स्टार्ट करते हुए अपने गांव में नहीं, घर के बाहर से स्टार्ट किया है। और आज हम थोड़ा फन करेंगे, और करेंगे क्या कि जाएंगे लोगों के पास और उनको बोलेंगे कि आप कैमरा लीजिए और 10 कदम कुछ बोलते हुए आगे जाइए और 10 कदम कुछ बोलते हुए पीछे आइए। बोलने में क्या है कि आपको जो भी बोलना हो, आपके मन में जो भी हो, आप बोल सकते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हे गाइस, अभी मुझे मिल चुके हैं पहले वो शख्स जो आज इस चैलेंज को पूरा करेंगे। तो मैं इनसे पहले कुछ पूछूंगा, उसके बाद फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हे भलमानुस, ये बताओ, आप यूट्यूब के इस रंगीन स्वर्ग में आना चाहते हैं कि नहीं आना चाहते? अरे जरूर आना चाहते हैं, आना चाहते हैं भी है यूट्यूब। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपना यूट्यूब पे चैनल बना लीजिए तो बनाएंगे कि नहीं? नहीं, हम नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये है कि रीजन क्या है जो आप नहीं? ये है कि हमको उतनी जानकारी नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको जानकारी दूँ तो हम थोड़ा सा फैमिली वाले आदमी, हमको बड़ा जो है काम काज रहता है। अच्छा अच्छा, गाय खिलाना और तो, लोगों को देख रेख करना। अच्छा, ये प्रॉब्लम है, जिम्मेदारियाँ हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। आपके लिए आज एक चैलेंज है कि आप इस कैमरा को पकड़िए और 10 कदम बोलते हुए आगे जाएंगे और 10 कदम बोलते हुए पीछे जाएंगे। बोलने में आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आपके दिमाग में हो, आपके मन में, आपके दिल में जो भी हो, आप बोल सकते हैं एकदम ओपनली। तो आप रेडी हैं इसके लिए? हाँ रेडी हैं। तो लीजिए, पकड़िए कैमरा और बोलते हुए 10 कदम आगे जाइए। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। और हमारे जो छोटे भाई हैं जो ये यूट्यूब पे अपना चैनल चला रहे हैं, गौरव सिंह, तो बड़ा अच्छा जो है इनके द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य है। ये किसी तरीके गांव की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब लोग शहर की चीज़ें देखना तो पसंद करते हैं लेकिन गांव से हर आदमी जुड़ा नहीं है। हम लोग गांव में रहते हैं, हम लोग गांव को जानते हैं। 10 कदम आपका हो चुका, पीछे आ सकते हैं। और गांव में जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन लोग उसको देखने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। तो हम आप लोगों से निवेदन ये करेंगे कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इनको देखिए, ये गाँव से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, थैंक यू। तो इन्होंने अपना चैलेंज पूरा कर लिया है, मैं इनको दिल से थैंक यू बोलता हूँ। अभी चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के पास और उनसे भी यही चैलेंज करवाते हैं। तो देखते हैं कि गांव में लोगों का रिएक्शन क्या होता है कैमरे के सामने। तो चलो फिर। तो अभी हम अपने छोटे छोटे कदमों के साथ गांव की तरफ बढ़ रहे हैं और ढूंढ रहे हैं नेक्स्ट पर्सन कौन है जो इस कैमरे को फेस करेगा। तो चलो, नहीं उनको मत दिखाओ यार। अभी हम पहुंच चुके हैं हमारे छोटे कोटेदार के पास। और कोटेदार जी, आपके लिए एक चैलेंज है, आप चैलेंज पूरा कर पाएंगे? भैया चैलेंज करें। अरे बोलेंगे, भाग क्यों रहे भाई, देखिए तो इधर। अरे यार देखो, हमारे गांव के कोटेदार है, मतलब कैमरा नहीं फेस कर पा रहे भाई, क्या बताएं आपको। गांव की हालत भाई बहुत बेकार है, कैमरे के सामने ना फट जाती है अच्छी अच्छी की, पता नहीं उनका रिएक्शन ही बदल जाता है। तो अभी तो चल रहे हैं कोटेदार सामने है, कोटेदार की अब वहाँ कौन क्या कैसे होगा वहाँ चल के देखते हैं फिर। हे गाइस, अभी हम पहुँच चुके हैं कोटेदार के घर के सामने और यहाँ कोई ऐसा पर्सन है नहीं जो इस चैलेंज को फेस कर पाए। तो अभी यहाँ बैठे हमारे के गांव के काफ़ी बुजुर्ग, तो अच्छा आ चुके हैं। तो ये है हमारे बड़े कोटेदार। कोटेदार जी, आपके लिए एक चैलेंज है, आप पूरा करेंगे? अरे कुछ बोलेंगे? कौन चैलेंज? आपको क्या करना है, कैमरा पकड़ के 10 कदम आगे जाना है। आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपके दिल दिमाग में कुछ भी हो आप बोल सकते हैं। और लम्बरदार आओ, चलो। अरे आपको करना है, लम्बरदार नहीं करेंगे, आप करेंगे? आपने कैमरा फेस किया, आप करेंगे कि नहीं? चलो इधर आओ भैया, लम्बरदार इनसे इनसे बुलाओ। अरे बड़ा हाई कट मोबाइल है। और कौन करेगा? चाहिए तो नहीं करेंगे भाई। ये हमारे लम्बरदार। लम्बरदार जी आप करेंगे? कहाँ पर है, कहाँ पर है यार? हाँ यहाँ पर है। करेंगे? कोई करने वाला है यहाँ पर? नहीं है, सब सुन्न पड़े हुए, कोई है नहीं करने वाला। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के पास क्योंकि यहाँ तो कोई करेगा ही नहीं। तो चलो फिर आगे चलते हैं। तो हे गाइस, अभी मिल चुके हैं हमें तीसरे पर्सन। आप अपना नाम बताइए। मोहम्मद जाहिद। मोहम्मद जाहिद, आपके लिए एक चैलेंज है, क्या आप करेंगे चैलेंज पूरा करेंगे इस चैलेंज को? तो आपको करना क्या है कि ये कैमरा जो देख रहे हैं आपको, इसको पकड़ कर 10 कदम जाना है और आपको जो भी बोलना चाहते हैं, आपके दिल दिमाग मन कुछ में कुछ भी हो आप बोल सकते हैं। तो चैलेंज करने के लिए रेडी हैं क्या? मैं बोलने में कौन सी ताकत लगेगी, सिर्फ आपको कैमरा पकड़ना है और 10 कदम बोलते हुए जाना है, फिर 10 कदम बोलते हुए वापस आना है। अच्छा कांटा से आ रहे हैं, अभी बोलने की स्थिति नहीं है आपको? चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू। तो अभी पता नहीं क्या नाम बताए हैं, तो हाँ मोहम्मद जाहिद।
मोहम्मद जाहिद ने बताया है कि मैं अभी कांटा से वापस आ रहा हूँ। कांटा मतलब जिसपे गन्ने तौलाए जाते हैं। अच्छा, ये छोटे छोटे कोतेदार अभी जो भाग गए थे, ये सब का वो चलता है वीडियो रिकॉर्डिंग, तो उन्होंने बताया कि मैं अभी कांटा से आ रहा हूँ और मैं बोलने के हालत में नहीं हूँ। मतलब बहुत ज्यादा हमें लगता है वो ज्यादा थक चुके थे, सारा काम उनके जुबान से हो रहा था इसलिए वो काफी ज्यादा थक चुके थे तो वो बोल नहीं पाए। तो अभी चलते हैं, किसी ढूंढते हैं ऐसे इंसान को जो कैमरे को फेस करे और बोले। तो चलो फिर। तो हे गाइस, अभी मिल चुके हैं हमें नए पर्सन, जल्दी आ जाओ। मेरी YouTube फैमिली को अपना नाम बताओ इधर से। रोमिल सिंह। रोमिल सिंह, तो रोमिल सिंह आपके लिए एक चैलेंज है, आप चैलेंज पूरा करेंगे? चलते रहिए। हाँ, चलिए। तो आपको करना क्या है कि इस कैमरे को पकड़ना है और 10 कदम चलना है, वो भी कैमरे में बोलते हुए कंटिन्यू, और फिर 10 कदम वापस आना है। तो आप क्या चैलेंज पूरा करेंगे? हाँ, रेडी हैं इसको? हाँ, तो पकड़िए कैमरा। हाँ, और हाँ, 10 कदम बोलते हुए चलिए। क्या बोलने? जो आपकी इच्छा, आपके जो भी दिल दिमाग मन में कुछ भी हो आप बोल सकते हैं। अच्छा, बोलिए। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? क्या बोलो, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं हुआ, चलिए ठीक है, ठीक है। थैंक यू भाई। तो अभी आपने देखा रोमिल सिंह ने जो भी बोला हो आपके लिए, तो क्या बोले मुझे भी नहीं पता चला, शायद हमें लगता है अपना इंट्रो दिए हुए हैं। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको रोमिल सिंह की बातें या जो भी उन्होंने बोला कैसा लगा। तो अभी तो चलते हैं, अभी ढूंढते हैं ऐसे ऐसे पर्सन को गांव में, क्योंकि ऐसा होता है ना कि कैमरे को फेस करने में उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है। वहाँ नहीं जाएंगे भाई, वहाँ नहीं जाएंगे, जहाँ जाएंगे जहाँ लोगों को इंटरेस्ट हो, ऐसा ना हो कि वो फिर पता चले घर के अंदर भागने लगे, ऐसा पर्सन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो चले फिर ढूंढते हैं। अभी मिल चुके हैं हमें चौथा या पांचवा पर्सन है। तो नाम बताइए आप मेरे YouTube फैमिली को। कल्लू भाई जरा। कपेंद्र सिंह। कपेंद्र सिंह भाई का नाम है। कपेंद्र सिंह भाई, कपेंद्र सिंह आपके लिए एक चैलेंज है, आप चैलेंज को पूरा करने के लिए रेडी हैं कि नहीं? एक चैलेंज है। हाँ बताइए। चैलेंज आपको ये है कि आपको कैमरा पकड़ना है और 10 कदम बोलते हुए जाना है, फिर 10 कदम बैक होना है। कर सकते हैं आप ऐसा? क्या चैलेंज पूरा करने के लिए रेडी हैं? क्यों नहीं। क्या तनाव नहीं बढ़? कैमरा बहुत हल्का है, जुबान आपकी चलती है, शब्दों से आपको बोलना है। तो है तनाव नहीं बढ़? क्या नहीं है तनाव? अरे यार, तुम इतना तो मोदी भी नहीं बिजी रहते होंगे जो तुम बता रहे हो। आप बैठे हुए हो, गाना सुन रहे हो, कौन सा गाना सुन रहे हो? हद से भी ज्यादा तुमसे प्यार, मतलब समझ रहे हैं आप कैसे बंदे हैं आप, हद से भी ज्यादा। आज एज क्या आपकी? एज 22। मतलब समझ रहे हैं आप किस एज में ये चल रहे हैं। तो ये करने के लिए रेडी तो है नहीं, तो सुनो भी भाई, हद से ज्यादा जो है वो आप सुनते रहिए। तो हे गाइस, जिन्होंने अब ये चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के पास, वो जो चैलेंज पूरा कर पाया। ये गांव की हालत है भाई, मेरे गांव की हालत। ये अयोध्या का एक छोटा सा गाँव है बमनियावा, और मैं भी बमनियावा का ही रहने वाला हूँ। अरे भाई, हंस बहुत रहा है लेकिन चैलेंज नहीं पूरा किया, देख लो। तो अभी मुझे मिल चुके हैं नेक्स्ट पर्सन, अपना नाम बताया मेरे YouTube फैमिली को। हेमंत सिंह आपके लिए एक चैलेंज है, आपको क्या आप चैलेंज पूरा करने के लिए रेडी हैं? कौन चैलेंज? चैलेंज ये है कि आपको कैमरा पकड़ना है और बोलते हुए 10 कदम आगे जाना है, फिर बोलते हुए 10 कदम पीछे आना है। तो क्या आप रेडी हैं इसके लिए? नहीं। क्यों? वैसे क्यों, कोई रीजन बताइए। रीजन क्या बताइए? क्या बोल नहीं पाएंगे कि कोई और? हम बोल नहीं पाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, आपने एकदम रियली एक्सेप्ट तो किया, यहाँ लोग एक्सेप्ट करते ही नहीं है, दूसरा रीजन बताने लगते हैं। चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन के पास, जो बोलता है देखते हैं भाई। अब ये एक रिएक्शन है कि कैमरे के सामने लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। तो हे गाइस, अभी मिल चुके हैं हमें हमारे गाँव के ब्राह्मण है, काफ़ी बुजुर्ग है, मैं इनसे कुछ पूछना चाहूँगा और कुछ बताएंगे भी। बाबा जी, आप ये बताइए, अगर मैं कहूँ कि आप मेरे बारे में सबसे अच्छा वर्ड बोलिए, जो मेरी लाइफ के लिए, मेरे जीवन के लिए सबसे अच्छा हो, तो आप कौन सा शब्द है जो बोलेंगे मेरे लिए? बोलिए, आप सामने देखिए और बोलिए। ऐसा शब्द है कि अच्छा कर्म करिए, हाँ, अच्छे रास्ते पे चलिए, हाँ, ईमानदारी सच्चाई न छोड़िए, हाँ, और जो सही है ना, हाँ, वो सही है।
सही है, यही शब्द है मेरे लिए जीवन के सबसे अच्छे अच्छे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गांव के ब्राह्मण हैं और इन्होंने काफी अच्छी बात कही है, मैं इनका दिल से शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए फिर अभी चलते हैं, अपने आपको अपने को चैलेंज भी पूरा करना है, तो चलिए फिर कोई पर्सन ढूंढते हैं जो चैलेंज को पूरा करे। तो ये रही मेरे अयोध्या के इस गांव की हालत, जब मैं लोगों से बोलता हूँ कि भाई आप कैमरे पे कुछ बोलो तो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत दूसरे तरीके के, लेकिन जब ये वीडियो पड़ेगी भाई यूट्यूब पे ना, तब देखना लोगों का रिएक्शन कैसा होता है। अगर वो देखेंगे तब तो रिएक्शन पता चलेगा, और नहीं देखेंगे तो देखेंगे ज़रूर, क्योंकि भाई वीडियो पड़ रही तो एक बार तो ज़रूर देखेंगे, कभी ना कभी तो उनके हाथ स्क्रॉल करते हुए उनको मिल ही जाएगा। तो चलो फिर। तो हे गाइस, आज की वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली है और मैं 10 या 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं डाल सकता हूँ, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, तब तक के लिए बाय।